हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाओ फूड रेसिपी। आज मैं सूजी के अप्पे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं और हेल्दी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में एक कटोरी सूजी लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर मिक्स करेंगे। ग्राम फ्लोर बैटर को स्मूथ करेगा और अप्पे को क्रिस्पी बनाने में हेल्प करेगा। अब हम इसमें 1 कटोरी दही मिक्स करेंगे। दही सूजी के बराबर लेनी है। अब हम इसे स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। मिक्स करने के बाद अब सूजी को 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ कुछ बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स ली हैं। एक मीडियम साइज़ का अनियन, 1/4 पार्ट हम येलो कैप्सिकम, 1/4 पार्ट रेड कैप्सिकम, 1/2 ग्रीन कैप्सिकम, 4 से 5 बीन्स, 1 मीडियम साइज़ का टमाटो और 1 मीडियम साइज़ का कैरेट, कुछ धनिया के पत्ते जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है और 2 हरी मिर्च लेंगे। अब हम अपने बैटर को चेक करेंगे। अब हम इसमें सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स एक एक करके डालेंगे। वेजेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसमें अब हम 1 टीस्पून सिसमे सीड, 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आपको इतनी ही थिक रखनी है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब हम इसमें 3/4 टीस्पून इनो पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून पानी लेंगे और इस तरह से एक एक करके हमने इसके ऊपर डालना है। देखिए बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारा अप्पे बनाने का बैटर अब रेडी हो गया है। चलिए फाइनली अब अप्पे बनाने चलते हैं। लो फ्लेम पर अब हम अप्पे बनाने का मोल्ड रखेंगे। इसे तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और 1 स्पून की हेल्प से हम बैटर को अब अच्छी तरह से इसमें फिल करेंगे। ऊपर तक इसे नहीं भरना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। अब अगले 4 से 5 मिनट तक इसे इसी तरह से पकाएंगे और 1 स्पून की बैक साइड से इसे हमें इसी तरह से टर्न करना है। देखिए हमारे अप्पे एक साइड से बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हमें बाकी अप्पे भी इसी तरह से टर्न करने हैं। अब इस साइड से भी इसे अगले 4 से 5 मिनट तक हमें पकने देना है। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है और बीच में इसे एक बार हम चेक कर लेंगे। अब हमारे अप्पे बनकर तैयार हो गए हैं और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे स्लॉट के अप्पे भी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।